सो हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी से, चाहे आप बीटेक कर रहे हो चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, अगर आप एआई टेक्नोलॉजी से करते हो तो एआई कैसे आपको बेनिफिट देगा, एआई से करने के क्या फ़ायदे हैं, इस पूरे वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा। और पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और पहली बार आप चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गैस देखो, जमाना अभी आप लोगों को पता होगा, मैंने कम से कम 50 वीडियो बनाया होगा कि, और जिसमें हर वीडियो मैंने ये बोला होगा कि एआई का स्कोप बढ़ रहा है, एआई टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, एआई ही सब कुछ है, एआई बहुत डिमांडिंग है। सो आज के वीडियो में बताऊंगा कि रियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंपैक्ट डाल रहा है मार्केट पे। सो गाइज, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी करंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग के कोर्स में एड ऑन हो गया। बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है कि मैक्सिमम कॉलेज, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज एआई को एड ऑन कर लिए हैं, जो कि अच्छी खबर है। और बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, इवन दो आईआईटी एनआईटी में भी एड ऑन नहीं था, तो इस साल से एड ऑन हो गए हैं, जो कि अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि एआई भाई, कंपनियां मांग रही हैं, इंडस्ट्री मांग रही है कि एआई को लेकर के आओ। एआई से बेनिफिट ये है कि भाई, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग थी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है, चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी से भी नेक्स्ट लेवल तक की एआई आ गई है, डेविन एआई। आप लोग अगर डेविन एआई के बारे में नहीं जानते हो तो आप लोग गूगल पे सर्च करना डेविन एआई। डेविन एआई में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आ गया है, अमेरिका के स्टार्टअप कंपनी ने स्टार्ट किया, जिसमें नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग जनरेट होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करना हुआ, बनाना हुआ, उसका कोडिंग, उसका प्रोग्राम, उसकी एल्गोरिथम कैसे है, डेविन एआई मिनटों में दे देगा। जिसको बनाने में आपको कई साल लग सकते हैं, वो आप 2-4 दिन में बना सकते हो, इतना इतना एक्यूरेसी है। लेकिन आप उसको समझना पड़ेगा, जैसे 2-4 दिन मैंने इजिली बता दिया, हो सकता है जिसको बनाने में 1 साल लगे, हो सकता है आप 20 दिन में बना सकते हो, लेकिन उसको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड इतनी क्यों बढ़ी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड इसलिए बढ़ी, आप एक आसान भाषा में समझिए, कोई चीज़ इतनी डिमांडिंग क्यों हो जाती है? जैसे कोई काम अगर 50 लोग मिलकर कर रहे थे और उस काम को करने में 100 दिन लग रहे थे, मैथ आप तो पढ़ा होंगे, उसी काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ 3 लोग मिलकर के उसी काम को, जिसको करने में 100 दिन लग रहे हैं, उसी काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ 20 दिन में कर दे रहा है, और सिर्फ 3 लोगों की मदद से। तो सोचो ना, एआई एक्यूरेसी ज़्यादा है, वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा है, और प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो इस तरह से एआई इंपैक्ट कर रहा है। और रही जॉब की बात, तो जॉब में भी मॉडिफिकेशन हो गया है, हाई पेड सैलरी जॉब मिल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जहाँ नॉर्मल प्रोग्रामर या थोड़ा सा डेप प्रोग्रामिंग था, पीएचपी या फ्रंट एंड या बैक एंड की जॉब में भी अच्छी खासी पैकेज मिल जाती थी, अभी करंट टाइम में ऐसा नहीं हो रहा है। करंट टाइम में चीज़ें इशू हो रही हैं, अगर आपको अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, अच्छी चीज़ों की समझ है, तभी जा करके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, तभी आप उस लेवल की चीज़ें सीख सकते हैं, तभी जा करके उस चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल की चीज़ों को समझ सकते हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अगर आप नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो शायद एआई की दुनिया में नहीं जा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम को समझना ज़रूरी है, एआई के मैकेनिज्म को समझना ज़रूरी है, एआई किस तरह से काम करता है उसको समझना ज़रूरी है। जब तक आप उसके मैकेनिज्म और उसके इफ़ेक्ट को नहीं समझोगे, शायद एआई से आप दूर चले जाओगे। सो जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एआई के प्रोग्रामिंग को समझो, एआई किस तरह काम करता है उसको समझो, एआई के बेसिक टू एडवांस आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि ओवर ओवर व्यू, ओवर व्यू, ओवर व्यू आप समझ लिए, ठीक है एआई हो गया। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आपको बेसिक टू एडवांस, उसी तरह से बेसिक टू एडवांस आपको लर्न करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। सो गाइज, आपको मैंने बता दिया कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हों, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कंपनी में रिस्ट्रक्चर्ड कर रही हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, बड़ी बड़ी और भी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर के रिस्ट्रक्चर कर रही हैं, एआई वालों को ला रही हैं, एआई वालों को जॉब दे रही हैं, ओल्ड डेटा, ओल्ड ढर्रे के जो प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं उनको हटा रही हैं। तो आप सोच समझ सकते हो कि एआई की डिमांड कितनी बढ़ रही है। तो आप भी शिफ्ट होइए एआई पे और उसका बेनिफिट लीजिए गाइस।
वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।